भाइयों नमस्कार, कलश कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम ये मक्का के खेत पर खड़े हैं। सबसे पहले हम किसान भाई से बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, अपना नाम बताइए भैया। धीरूलाल ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? रायती से। तहसील? देगू। जिला? चित्तौड़गढ़। राजस्थान के रहने वाले हो। आपने कौन सी मक्का लगाई? कलश KPS 53-91 नंबर की। 53-91 में लगाई आपने। क्या थैली लगाई आपने? ये दो थैली लगाई। क्या क्या खासियत आपको नजर आई इस मक्का के अंदर? इसमें उगने में अच्छी है, हर दाना उग गया और कम पानी में भी अधिक पैदावार होती है और अधिक पानी में भी गलने की शिकायत कम आती है और उससे ज़्यादा भी भुट्टा भी पूरा अच्छा भरा हुआ है। दाने भी देसी टाइप में है, पीला कलर अच्छा है इसका और फुल बक्की मतलब ऊपर तक भरे हुए हैं भुट्टे और आडी पड़ने की भी कम रहती है इसमें, कभी कम पड़ती है आडी है, जड़ें ज़्यादा चलती है इसलिए, और पौधा भी मतलब लास्ट तक हरा रहता है, यही अच्छी खासियत है और पैदावार भी अच्छी देती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि भैरूलाल जी हमारे यहाँ पर बता रहे हैं खेत पर कि ये जो मक्का है, सबसे पहले तो इसमें उगने की क्षमता बहुत अच्छी है। इनका जो इन्होंने बोया था पूरा दाना इनके उगे हैं। दूसरा क्या है, इसका आडी पड़ने की शिकायत इसके अंदर है नहीं। तीसरा क्या है, इसमें भुट्टा ऊपर तक भर का है, दाना नारंगी रंग का है और कोई भी भुट्टा अपन छोलते हैं आपका मक्का है पूरे लास्ट तक हरा रहता है पौधा और भुट्टा आपका सूख जाएगा, मतलब आपके पशुओं को भी चारा खिलाना है तो वो चारा हरा मिलेगा और आडी पड़ने की कोई शिकायत नहीं। दूसरी क्या, ये पौधा एकदम से लचीला है, इसका जो दूसरी जड़ है ये जो देख रहे हो आप सेकेंडरी रूटें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है जो पौधे को गिरने नहीं देती हैं। बहुत ही शानदार मक्का है। अगर भुट्टे की लंबाई की बात करें तो 4 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होती है और पौधे की लंबाई की बात करें तो 7.5 फीट इसकी लंबाई है। बहुत ही शानदार ये मक्का है किसान भाइयों, आप इसको किसी भी मौसम में लगा सकते हो। और ये आपने कब लगाई, कुछ तारीख का है ध्यान आपको? ये लगभग इतना तो नहीं है लेकिन बाउन हुई उससे थोड़ी लेट लग गई, अगर लगभग सही समय पे लगती तो ये और अच्छी पैदावार देती। मतलब ये लेट लगाई है, ये 3 महीने के आसपास ये मक्का होने वाली है। 90-95 दिन का ये मक्का हो गया अभी। बहुत शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। आप भैरूलाल जी इसके लाइनें थोड़े गिन के बताओगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 लाइनें हैं, लगभग 40 दाने के आसपास इसमें। बहुत ही शानदार वैरायटी है। और हमारे साथ में प्रेम भाई है। प्रेम भाई जी आप बताइए, क्या आपको कैसा लगा ये कलश की मक्का? बहुत अच्छा मक्का है। क्या आपको, क्या आने वाले समय में किसान भाई लगाएंगे इसको? हाँ लगाएंगे जी। हाँ, इसका जो दाना है पूरी तरह से देसी टाइप का है और किसान भाइयों के लिए मंडी में आप बेचने जाओगे तो 10-20 रुपये आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो भैरूलाल जी और कुछ किसान भाइयों के लिए कोई संदेश? और तो कुछ नहीं, ऐसे खाने में भी अच्छा स्वाद आता है, मतलब देसी टाइप में है ये। देसी टाइप में है। हाँ। आज भैरूलाल जी मक्का काट रहे हैं, देखिए इधर ये पूरा खेत अब चालू हो गया, कटने लग गया है और बहुत ही शानदार ये मक्का है। किसान भाइयों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।